Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla, and today is April 29, 2020, Wednesday. So let's start with business standard daily news analysis. This analysis is suitable for business and management students, net aspirants, banking job aspirants, civil services aspirants, faculties, and teachers of different disciplines. In today's discussion, we are going to cover these much articles. So let's start with article number one given on page number one. Indian incorporations want government to shift focus to economy. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल आर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को वॉर्न किया था कि गवर्नमेंट के पास एक प्रॉपर स्ट्रैटी होनी चाहिए इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए एज वेल एज एग्जिट एंड एंट्री फ्रॉम द लॉकडाउन तो उसी uh, ड्यूरेशन या उसी पैटर्न में जो टॉप uh, इंडियन कंपनीज हैं उनके सी ने भी uh, सेंट्रल गवर्नमेंट को वॉर्न किया है कि अगर गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन नहीं लिए रिगार्डिंग लॉकडाउन एग्जिट देन इट मे हैव द इम्पैक्ट ऑफ डिप इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑन द इकोमी Uh, CEOs ने ये concerned that now uh, COVID-19 is a normal new, and we all have to work with this normal new conditions if we want to uh, revive the economy. Otherwise, lockdown could be the costly affairs in the history of economy of India. It has been more than a month since industrial activity came to a वर्चुअल हॉल आफ्टर द गवर्नमेंट अनाउंस नेशन वाइड लॉकडाउन एक महीने के आसपास होने वाले हैं एक महीने से ज्यादा ही हो रहे हैं जिससे जब से हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज बंद हैं हालांकि जो टॉप uh, सी ने कंपनी के उन्होंने ये भी कहा कि दे नो दैट लॉकडाउन हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन कंटेनिंग द स्प्रेड ऑफ वायरस बट ऑन द अदर हैंड इट इज इम्परेटिव फॉर द गवर्नमेंट टू थिंक अबाउट द इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द सिटीजन वी नीड टू राइज नाउ टू इंश्योर दैट इकोनॉमी डज नॉट फॉल इन टू द स्लंबर विल टेक ह्यूज एफर्ट्स टू अवेकन और अगर गवर्नमेंट ने अभी कोई राइट डिसीजन नहीं लिए इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेजेस नहीं लिए कुछ इंडस्ट्रीज को एग्जेप्ट नहीं किया प्रॉपर से इकोनॉमिक लॉकडाउन के लिए एग्जिट एंट्री नहीं बनाई तो देआर एफर्ट्स फॉर कर्बिंग द कोरोना नाइनटीन मे बी वेरी मच कॉस्टली इन द फ्यूचर कोर्स ऑफ टाइम एंड इट विल टेक अ ह्यूज एफर्ट्स टू अवेकन द इकोनॉमी वंस अगेन इप इट इज गो इन टू द एमिनें डिप्रेशन जो सी ओज हैं उन्होंने ये कहा नो कोविड नाइन्टीन इज अ थ्रेट टू द नेशन बट द डिप्रेशन इन द इकोनॉमी इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर थ्रेट दैट इकोनॉमी मे फेस आफ्टर द कोविड नाइन्टीन इज इन दैट इंडिया नीडेड टू फाइंड वेस्ट टू वर्क विद इन द न्यू नॉर्मल टू ब्रिंग द इकोनॉमिक बैक ऑन द ट्रैक इन द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि जर्मनी के चांसलर ने कहा है कि वी हैव टू लिव विद द कोविड अंटिल वैक्सीन इज कम तो यही चीज़ें कुछ हमें अपने टॉप सी से भी देखने को मिली हैं वो भी यही कह रहे हैं कि इंडिया हैज़ टू वर्क विद द न्यू नॉर्मल इंडस्ट्रीज हैव टू वर्क विद द न्यू नॉर्मल कंडीशंस एंड हैव टू ग्रो एंड प्रॉस्पर विद द कोविड नाइन्टीन एज़ वेल एक्सपर्ट्स हैव शार्पली रिवाइज डाउन इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ फोकास्ट फॉर 2020 थाउजेंड और जैसा कि हम सभी देख रहे हैं जितनी भी इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं रिसर्च एजेंसीज हों चाहे वो इंडिया की हो चाहे वो इंटरनेशनल की हो सब ने इंडिया का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स जो है वो रिड्यूस कर दिया चाहे वो आई हो चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो इवन इंडिया की भी बहुत सारी कंपनीज जो कि इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को करती हैं उन्होंने भी इंडिया के जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो प्रॉस्पेक्ट है या फोकास्ट है उसको रिड्यूस कर दिया है आज ही की न्यूज़ में है कि मूडीज़ ने इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ फोकास्ट है उसको रिवाइज़ किया है और कहा इंडिया विल ग्रो एट अ ज़ीरो पॉइंट टू परसेंट लेवल तो इस तरह की एक्टिविटीज़ और इस तरह के न्यूज़ के बाद अगर अगर गवर्नमेंट ने फिर भी कोई ऐसे डिसीज़न नहीं लिए इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए तो कोविड नाइन्टीन से जो रिसेशन आएगा वो इंडिया को और ज़्यादा थ्रेट में ले जाएगा हालांकि 15 अप्रैल को गवर्नमेंट ने कुछ लिमिटेड और परमिट एक्टिविटीज़ को परमिट किया था उसमें से मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं जो कि इसेंशियल कमोडिटी सेक्शन है इसेंशियल सर्विसेज से जुड़ी हुई थी तो उनको तो गवर्नमेंट ने एग्जाम कर दिया था लॉकडाउन से बट इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और जितने सी हैं इनका ये कहना है कि दिस एक्जाम्शन इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट द इकॉनमी मच अंटेन एंड अनलेस वी डू नॉट ओपन द इकोमी फुली विद द न्यू नॉर्मल कंडीशंस विद द ऑल सेफ्टी प्रिकॉशंस ये ऐसा नहीं कह रहे हैं कि इनको प्रकॉशंस नहीं लेने हैं ये ऑलरेडी इस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं इंडस्ट्री को भी लर्न करना पड़ेगा कि अब नए कंडीशंस के साथ नई सेफ्टी प्रोविजन के साथ काम करना है सेक्टर्स लाइक एयरलाइंस ऑटोमोबाइल्स एंड होटल्स आर एक्सपेक्टेड टू टेक अ बिग हिट इन द मंथ्स ऑफ अप्रैल जैसा कि हम सभी जानते हैं ऑटोमोबाइल्स में कंटिन्यूसली डिस्कस कर रही हूँ 55 परसेंट से लेकर के 88 परसेंट तक का डिप देखने को मिला है होटल टूरिज्म इंडस्ट्री बिल्कुल डाउन हो गई एयरलाइंस इंडस्ट्रीज तो कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि डिफॉल्ट की कंडीशन पर आ गई हैं तो इन सारे सेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए टॉप सी ईस कंटिन्यूसली गवर्नमेंट से ये अर्ज कर रहे हैं दैट गवर्नमेंट शुड थिंक अबाउट द इकोनॉमिक रिवाइवल ऑफ़ द कंट्री बिकॉज इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द सिटीजन इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन विद द हेल्थ आई टी सी चेयरमैन संजीव पुरी सेट इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू प्रोग्रेसिवली इन्हांस इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द नियर टर्म विद एक्सट्रीम एदरेंस टू सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हालाँकि उन सभी सी ओज सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ओपन करने का सजेशन गवर्नमेंट को दिया है

इंडिविजुअल्स दोज हुआ आर इन एक्यूट स्ट्रेस बिकॉज बहुत सारे ऐसे माइग्रेंट वर्कर्स हैं जिनकी जो रोज़गारी है वो चली गई है और वो बेरोज़गार आ, आ गए और ऐसी कंडीशन आ गई है कि आने वाले कुछ टाइम के बाद uh, कुछ uh, ऐसा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जिसके पास बिल्कुल भी कैश नहीं रह जाएगा इन ऑर्डर टू सर्वाइव तो इन सारी क्रिटिकल कंडीशन से बचने के लिए अभी से ही इकोनॉमी को ओपन कर देना चाहिए स्लोली तो आगे आने वाले फ्यूचर में ये अपनी ऑप्टिमम केपेसिटी पर काम कर सकें अदरवाइज गवर्नमेंट हैज़ टू फेस अ न्यू थ्रेड फ्रॉम द इकोनॉमिक रिसेशन दिस इज आर्टिकल नंबर टू फ्रॉम पेज नंबर वन एज आई डिस्कस मोदी स्लैश इंडियाज इकोनॉमिक और इन ग्रोथ फोकास्ट टू जीरो पॉइंट टू परसेंट मार्च में क्या प्रोजेक्शन दिया था मोदीज़ ने मार्च में प्रोजेक्शन दिया था टू पॉइंट फाइव परसेंट का और ये वो प्रोजेक्शन इस बेसिस पर था कि सत्रह पंद्रह या सत्रह अप्रैल तक ये जो है इकोनॉमी वापस से रिवाइव हो जाएगी और इकोनॉमी ओपन हो जाएगी बट चूंकि उसको लॉकडाउन को तीन तारीख तक बढ़ा दिया गया और उसके बाद भी ये न्यूज़ आ रही है कि हो सकता है कि तीन तारीख के बाद तीन मई के बाद भी कोई भी अभी भी कोई ऐसे साइंस नहीं दिख रहे हैं कि इकोनॉमी जो लॉकडाउन है वो हटाया जाएगा या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को दोबारा से रिज्यूम किया जाएगा तो मोदी ने उस सारी एक्सपेक्टेशंस को मोदी उसको देखते हुए जो इंडिया का ग्रोथ फोरकास्ट है उसको ज़ीरो पॉइंट टू परसेंट तक गिरा दिया है अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर थ्री एयरलाइंस गो फॉर द कट्स अगेन एज ग्राउंडिंग में एक्सटेंड जैसा कि हम सभी जानते हैं तीन मई के बाद भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को एग्जामेशन नहीं मिलने वाले हैं तो उसमें से एक एविएशन इंडस्ट्री भी है गवर्नमेंट अभी किसी भी मूड में नहीं है एविएशन इंडस्ट्री को दोबारा चलाने के लिए अभी जितनी भी एविएशन इंडस्ट्री है उसमें से केवल एयर इंडिया को उड़ान भरने के लिए परमिशन मिली है वो भी सिर्फ कोविड नाइन्टीन रिलेटेड सप्लाइज़ को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में शिफ्ट करने के लिए शिपमेंट के लिए अदरवाइज सारी जितनी भी मैक्सिमम एयरलाइंस हैं वो इस समय ग्राउंडेड हैं तो एविएशन सेक्टर दोबारा से सेकेंड राउंड ऑफ कट पे जा रहा है क्योंकि उसको पता है कि अभी रिसेंटली कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं आ रही जिससे कि ऐसा हो कि आने वाले टाइम में तीन मई के बाद भी क्या एविएशन को स्टार्ट किया जाए डोमेस्टिक एयरलाइंस सच सचेज गो एयर स्पाइस जेट आर डूइंग अवे विद द अलाउंसेस एंड रिड्यूसिंग द वर्क आवर एज दे प्लान टू मिनिमाइज द ऑपरेशन अब जब उनको पता है कि तीन मई के बाद भी ऐसे कोई चांसेस नहीं है कि जब एविएशन इंडस्ट्री ओपन होगी तो दे हैव दे हैव स्टार्टेड और दे हैव लुकिंग फॉर द ऑप्शन फॉर रिड्यूसिंग द working hours and they have also taken the option for reducing or deducting the allowances of their employees. With indication of a longer period of air transport grounding, many airlines are looking at a further cut in the employees' salary. जैसा कि हम सभी जानते हैं, central government ने भी एक साल के लिए दिया freeze कर दिया है अपने employees का. तो जो private industries हैं, private companies हैं, वो भी इसी norms को follow करते हुए हलाकि अभी किसी ने भी layoff नहीं किया है, but they are लुकिंग फॉर द options टू reduce और टू minimize द सैलरी अप टू द extent दे कैन तो एयर इंडिया हो चाहे वो कोई भी एविएशन इंडस्ट्री हो एयर हो स्पाइस जेट हो दे ऑल आर लुकिंग फॉर द सैलरी कट ऑफ देयर इम्प्लॉयज कंपनीज एक्रॉस द सेक्टर्स आर रीस्ट्रक्चरिंग पे रोल्स ऑन क्र्यू कटिंग अलाउंसिज एक्सटेंडिंग लीवस विदाउट पे ड्यूरेशन एज दे रियलाइज दे विल हैव मोर एयरक्राफ्ट एंड इम्प्लॉयीज कंपेयर टू द कस्टमर कंपनीज़ ने अपना जो पे है उसको रीस्ट्रक्चर करना शुरू कर दिया है या ऐसी लिस्टिंग बनानी भी आप ये ऐसा शुरू कर दें जो नॉन इसेंशियल एम्प्लॉयज़ हैं जिनका सैलरी कट ज़्यादा किया जा सकता या ऐसे एम्प्लॉय जिनका सैलरी कट ज़्यादा किया जा सकता है या ऐसे एम्प्लॉज़ अगर आगे ले ऑफ़ करना पड़े तो किन पहले निकाला जाएगा ठीक है और कटिंग अलाउंसेस किस किस एम्प्लॉय से क्या क्या अलाउंसेज किस किस इंप्लॉय की सैलरी किस कैटेगरी के एम्प्लॉज की सैलरी से किस तरह के अलाउंसेस डिड्यूस किए जा सकते हैं इस तरह के ऑप्शनस को जो एयरलाइंस हैं उन्होंने सर्च uh, करना शुरू कर दिया इन ऑर्डर टू मिनिमाइज देयर ऑपरेटिंग कॉस्ट ओके सारी जो मैक्सिमम उनकी जो फ्लाइट्स हैं दे आर ऑन ग्राउंड अप्रॉक्सीमेटली मार्च ट्वेंटी थ्री से जो एयरलाइंस हैं वो उनके मैक्सिमम फ्लाइट जो हैं वो ग्राउंडेड हैं इन ऑर्डर टू फाइट द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस एज़ पर देंट्रल गमेंट ऑर्डरस तो और एयर जो लाइन्स हैं वो प्लान भी कर रही हैं कि अगर लॉकडाउन जो है वो लिफ्ट किया जाता है आफ्टर थर्ड ऑफ मे और इन नियर फ्यूचर देन दे विल ऑपरेट विद लिमिटेड फ्लाइट्स विद अ लिमिटेड नंबर ऑफ इम्प्लॉयज एंड विद लिमिटेड नंबर ऑफ फ्लाइट्स बिकॉज दे आर नॉट श्योर अबाउट द पैसेंजर डिमांड कि कोविड नाइन्टीन को लेकर के जो फेयर जनरेट हुआ है उस फेयर के बाद उनकी एयरलाइंस में या एविएशन इंडस्ट्री में कितनी डिमांड आएगी अभी भी इसकी भी श्योरिटी नहीं है तो इसलिए भी जो आज अगर ऐसे ऐसे न्यूज़ आती है कि यहाँ लॉकडाउन ओपन होने वाला है तो उसके बाद भी एयरलाइंस लिमिटेड स्टाफ के साथ और लिमिटेड अपनी फ्लाइट्स के साथ काम करेंगी और इस तरह से अगर वो काम करें तो डेफिनेटली जो उनका प्रॉफ़िट है वो फॉल करेगा रिवेन्यू फॉल करेगा तो इन ऑर्डर टू मीट द रिवेन्यू विद द एक्सपेंडिचर बहुत सारे कट सैलरी कट्स एक्सपेंसेस कट पेरोल रीस्ट्रक्चरिंग लीव विदाउट पे के ऑप्शन जो हैं वो एविएशन इंडस्ट्रीज देख रही हैं आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर फोर एक्सिस बैंक सेक्ट टू एक्वायर ट्वेंटी नाइन परसेंट इन मैक्स लाइफ जैसा कि हम पिछले कुछ ड्यूरेशन से देख रहे हैं कि बहुत सारे मर्जर एक्विजिशन स्ट्रेटजिक अलाइंसिस फॉर्म हो रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि इस समय इकोनॉमिक लॉकडाउन की वजह से बहुत वजह से बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अपनी लो वैल्यूएशन की स्टेज पर है परफॉर्मेंस कुछ नहीं है प्रॉफिट और रिवेन्यू कुछ नहीं है लो वैल्यूएशन की स्टेज पर है और वो अब अपने आगे अपने नियर फ्यूचर में उनका वैल्यूएशन बहुत जल्दी बढ़ने भी वाला नहीं है तो इसको अपॉर्चुनिस्टिक आप मर्जर एक्विजिशन भी कह सकते हैं अपॉर्चुनिस्टिक टेक भी कह सकते हैं या इसको आप बोल सकते हैं होस्टाइल टेक इस क्यों क्योंकि वैल्यूएशन लो है और ये जो बड़ी बड़ी बिग टेक कंपनीज़ हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके पास कैश बहुत अमाउंट में है फिनेंस बहुत ज़्यादा है वो अब छोटी छोटी कंपनीज में अपना स्टेक इंक्रीज कर रही हैं ताकि आने वाले फ्यूचर में उनका मार्केट में डोमिनेंस बढ़ सके चीन भी यही स्ट्रैटी फॉलो कर रहा है इसीलिए बहुत सारे जो अदर नेशंस हैं कंट्रीज़ हैं उन्होंने चीन पर एलिगेशन लगा लगाया है और इवन कई तो चीन से इसके कोविड नाइन्टीन के स्प्रेड के लिए हर जाना भी मांग रहे हैं और अपना बिल दे दिया है कि आप ये 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 आपको हमें हर जाना देना है या पेनल्टी देनी है अगर आप नहीं देंगे तो उसके अगेंस्ट हम इंटरनेशनल कोर्ट या सेटलमेंट बॉडीज़ के पास जाएंगे तो सेम आ, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो भी इस समय जो मर्जर एक्विजीशन या हॉस्टाइल मर्जर एक्विजिशन या अपॉर्चुनिस्टिक मर्जर एक्विजिशन की तरफ देख रही हैं क्योंकि अगर फ्यूचर में इकानमी रिवाइव होगी तो फिर उनके शेयर से मार्केट डोमिनेट होगा प्राइवेट सेक्टर लैंडर एक्सिस बैंक ऑन सेड इट वुड वु करोड़ ऐसा नहीं है कि एक्सेस बैंक पहली बार मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में अपना स्टेक खरीद रहा है ऑलरेडी अगर हम देखें तो एक्सिस बैंक का जो है टू परसेंट का शेयर ऑलरेडी मैक्स में है बट अब इस टू परसेंट के शेयर को बढ़ा करके ट्वेंटी नाइन परसेंट का स्टेक एक्सिस बैंक करने वाला है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज विल होल्ड द रिमेनिंग सेवेंटी परसेंट इन द ज्वाइंट वेंचर हालांकि जो मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज की जो होल्डिंग है सेवेंटी परसेंट की वो सेवेंटी परसेंट की ही रहेगी क्यों क्योंकि जो एक्सिस बैंक एक्चुअली खरीदने वाला है वो मैक्सिम uh, पार्ट जो है वो मित्सुई का है और कुछ टू परसेंट और टू पॉइंट फाइव परसेंट पार्ट जो है वो मैक्स का है तो ठीक है बाकी यानी ये मित्सुये जो कम्प्लीटली एग्जिट कर रहा है और टू परसेंट ऑफ मैक्स उसको मिला करके जो अब एक्सिस अप्रॉक्सीमेटली ट्वेंटी नाइन परसेंट पर, पर आ, के स्टेक होल्डर पर रहेगा मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में एक्सेज इज़ लुकिंग टू परचेज अराउंड फाइव फाइव सिक्स मिलियन शेयर ऑफ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस एट अ प्राइस ऑफ ट्वेंटी एट पॉइंट सिक्स वन पर शेयर बट द एस्टिमेट विल चेंज बेस्ड ऑन द डेट वैन डील इज़ क्लोज हालांकि ये जो नंबर है ये जो प्राइज़ है यह चेंज हो सकता है किस बेसिस पर जिस दिन डील क्लोज होगी उस दिन शेयर का प्राइस क्या होगा हालांकि अभी जो शेयर का प्राइस है वो ट्वेंटी एट पॉइंट सिक्स वन पर, पर शेयर चल रहा है पर अब जिस दिन डील फाइनल होगी उस दिन के शेयर प्राइसेस के बेसिस पर एक्सिस जो है वो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस को पेमेंट करेगा द बैंक विल एक्वायर द शेयर फ्रॉम फ्रॉम मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज एंड साइन द शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट एंड अ शेयर परचेज एग्रीमेंट ये देख लेते हैं थोड़ा सा स्टेक होल्डिंग जैसा कि आपकी जो करंट स्टेक होल्डिंग है वो क्या है ट्वेंटी फाइव पॉइंट फाइव परसेंट जो है वो मित्सुई के पास है टू परसेंट जो है वो एक्सिस के पास है और सेवेंटी टू पॉइंट फाइव परसेंट जो है वो हमारी एक्सिस बैंक की है तो और बाद में जब रीस्ट्रक्चरिंग होगी तो थर्टी अप्रॉक्सीमेटली थर्टी परसेंट जो है वो एक्सिस बैंक ले लेगा ले और ट्वें सेवेंटी परसेंट जो होगा हो वो मैक्स के पास ही रहेगा मित्सुई इज़ एग्जिटिंग एग्जिस्टिंग आप जगह बोल रहे हैं कि एग्जिट कर रहा है तो मित्सुई जो है वो एग्जिट करने वाला है नाउ लुक अटिंग टू द आर्टिकल नंबर फाइव फ्रॉम पेज नंबर फोर इंडस्ट्री स्टेमुलस नॉट एन एजेंडा एज सेकेंड पैकेज लाइकली दिस वीक इस वीक ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि गवर्नमेंट का सेकेंड स्टेमुलस पैकेज और सेकेंड इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज आने वाला है बट जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये पैकेज कुछ इंडस्ट्रीज के लिए आएगा ऐसा एक्सपेक्टेशन को गवर्नमेंट ने नलीफाई कर दिया है गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रेडिट कर दिया गवर्नमेंट ने कहा है कि जो सेकेंड पैकेज है वो बेसिकली इंडस्ट्री के लिए नहीं है बिकॉज गवर्नमेंट के पास अदर स्टेक होल्डर्स भी हैं अदर इंडिविजुअल या अदर सेक्शन द सोसाइटी भी है, है जिसपे गवर्नमेंट को फोकस करना है लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज पर फोकस करना गवर्नमेंट की अभी प्रायोरिटी नहीं है आफ्टर मल्टीपल राउंड ऑफ डिस्कशन विद द गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इज़ लाइकली टू अनाउंस दिस वीक अ सेकेंड राउंड ऑफ स्टेमुलस पैकेज फॉर द मोस्ट अफेक्टेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी निर्मला सीतारमन ने कहा है कि जो ये सेकेंड स्टिमुलस पैकेज आने वाला है ये जो बहुत अफेक्टेड सेक्शन या मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसके लिए है ना कि इंडस्ट्री स्टिमुलस है द बेनिफिशरीज ऑफ द सेकेंड सेट ऑफ अनाउंसमेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी एमएसएमईज़, फार्मर्स वुमेन पुअर माइग्रेंट वर्कर्स एंड अदर मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी तो ये जितने भी uh, हमारे बोलते से स्टेक होल्डर्स हैं इनके लिए स्पेशली इस बार का सेकेंड पैकेज आ रहा है अब माइग्रेंट वर्कर हम सबको पता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में जा, जा रहे हैं माइग्रेट कर रहे हैं उन सबकी जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए लेबर्स हो गए जिन सबकी जो है वो जॉब है जो वर्क था वो चला गया सब है सब बेरोजगार हैं तो इन सब के लिए पुअर हो विडोज़ हो अगर आप देखें तो बहुत सारी रिसर्च स्टडीज़ में ऐसा पाया गया कि जितने भी जो हमारे रिसेशन हो चाहे वो इकोनॉमिक डिवास्टेशन हो चाहे वो कोई भी नेचुरल कलामिटीज हो उससे सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड सेक्शन होता है वो वुमेन का सेक्शन होता है चाहे वो सुनामी आप ले लें चाहे वो किसी भी तरह का इकोनॉमिक रिसेशन ले लें या कोई भी ऐसा नेचुरल कलामिटी या इकोनॉमिक कलामिटी तो जो वुमेन होते हैं वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड सेक्शन सोसाइटी का होता है तो इन सारे सेक्शंस के लिए ही गवर्नमेंट अब सेकेंड स्टिमुलस पैकेज ला रही है जिससे कि इंडस्ट्री में एक अरे अगेन नेगेटिव सेंटिमेंट्स जा सकता है और जो शेयर मार्केट है या जो अदर ग्रोथ इंडिकेटर्स हैं वो थोड़ा बहुत फॉल कर सकते हैं हा एवर द इंडस्ट्री सीकिंग सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड वंस दैट आर वर्स्ट हिट बाय द लॉकडाउन सच एज एविएशन हॉस्पिटैलिटी ऑटोमोबाइल रियल स्टेट लॉजिस्टिक विल हैव टू वे गवर्नमेंट ने कहा है इन in इंडस्ट्रीज़ के लिए इस तरह की जो बहुत ज़्यादा हिट हुई हैं लॉकडाउन से उनके लिए गवर्नमेंट मे कम विद मेक कम अः विद अ डिफरेंट स्टिमुलस पैकेज बट करंट पैकेज इज़ ओनली फॉर मार्जिनलाइज सेक्शंस और मोस्ट अफेक्टेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जैसा कि हम कंटिन्यूसली बार बार इस चीज़ पर डिस्कस कर रहे हैं कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बिग पैकेज को लाने के पक्ष में नहीं है इंडिया में ठीक है जैसे कि यू और अदर यूरोपियन नेशंस में होता है या हुआ है कोविड नाइन्टीन में कि ज, जो यू वो टेन ऑफ द जी उन्होंने एक खटे एकदम से बड़ा सा पैकेज लगा करके इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए उन्होंने इकोनॉमी में इंट्रूज़ किया इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ के पक्ष में नहीं है वो चाहते हैं कि छोटे छोटे स्मॉल पैकेजेस लाएँ और टारगेटेड बेनिफिशरीज़ के लाएँ ताकि उनका जो यूटिलाइजेशन है वो ऑप्टिमम हो सके जिस बेनिफिशियरी के लिए जिस जिस तरह के जिसके लिए टारगेट एक्चुअली लाया गया है या स्टिमुलस पैकेज रहा है उस एंड बेनिफिशियरी तक उसका बेनिफिट uh, या उसका इम्पैक्ट पहुँचे तो गवर्न इंडियन गवर्नमेंट का अप्रोच थोड़ा सा अलग है एनी सपोर्ट फ्रॉम द सेक्टर एंड बिग इंडस्ट्री विल ओनली हैपन्स लेटर वंस द इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉर्मलाइज टू सम एक्सटेंड गवर्नमेंट ने यह कहा है कि, कि किसी इंडस्ट्री स्पेसिफिक के लिए या बिग सेक्टर्स के लिए कोई भी स्टिमुलस पैकेज तब आएगा जब थोड़ा सा इकोनॉमी रिवाइव हो जाएगी नॉर्मलाइज हो जाएगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चलने लगेगी तो उसके बाद इम्पैक्ट को या ज़रूरत के अकॉर्डिंग या इम्पैक्ट को एनालाइज़ करके सिचुएशन को एनालाइज करके फिर उनके लिए कोई स्टिमुलस पैकेज आएगा देयर आर पॉलिटिकल कंपल्शन फॉर द गवर्नमेंट देयर शुड नॉट बी एनी नेगेटिव मैसेजिंग हालांकि गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि ऐसे कोई नेगेटिव सेंटीमेंट्स इंडस्ट्री में डेवलप नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट के कुछ पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं जिनके तहत गवर्नमेंट को पहले मार्जिनलाइज सेक्शन को ही फेवर करना है द गवर्नमेंट कैन नॉट बी ओवरली सीन टू बीवरिंग फेवरिंग लार्ज इंडस्ट्री इट शुड बी सीन विद द पीपल गवर्नमेंट का ऐसा है गवर्नमेंट ने कहा है कि गवर्नमेंट को ऐसा नहीं लगना चाहिए लोगों को कि गवर्नमेंट जो है वो लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के साथ ना होकर के जो हमारे रिच uh, और जो हमारे बिग कॉरपोरेट्स हैं उनके साइड में खड़ी है इसलिए गवर्नमेंट को अपने uh, पॉलिटिकल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनकी तरफ भी ध्यान देना है हैंस फोकस फॉर द नाव इज़ ऑन द पीपल एंड द स्मॉल बिजनेस इसलिए जो फोकस है वो ना कि बड़े बिजनेस हाउसेज के लिए जबकि छोटे छोटे बिजनेस हाउसेस के लिए और जो हमारा मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसके लिए अब क्या हो सकता है क्या रिलीफ पैकेज में आया है थोड़ा सा हाईलाइट देख लेते द देश ऑफ द सेकेंड सेट अनाउंसमेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी एम एस एम ईस फार्मेन पुअर माइग्रेंट एंड अदर्स देर इज़ अ प्रपोजल फॉर अनदर हाइक इन नरेगा पेमेंट्स मनरेगा जो हमारा चलता है आप मुझे बताएंगे कि नरेगा क्या होता है मनरेगा जिसको मनरेगा भी आप सुन सकते के नाम से भी बुलाते हैं इंडिया में ये एक्चुअली स्कीम क्या है ये कब लॉन्च हुई थी और इसके बेसिक प्रोविजन्स क्या हैं तो मनरेगा में भी कुछ हाइक देखने को मिल सकते हैं बेरोजगारी भत्ता जिसमें मिलता है डिसबर्समेंट इसमें क्या होता है गवर्नमेंट जो होती है जितने बेरोजगार उनको हंड्रेड डेज का एम्प्लॉयमेंट देती है अगर इंप्लॉयमेंट नहीं दे पाती है तो उनको हंड्रेड डेज का बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है आप मुझे बताएंगे कि कब स्टार्ट हुआ किसने स्टार्ट किया और बेसिक प्रोविजन क्या है डिसबर्समेंट अंडर पी एम किसान स्कीम्स वड भी फर्दर एक्सपेंडेटेड और पीएम पी एम किसान जो बेसिकली किसानों के लिए फार्मर्स के लिए उसकी स्कीम को भी एक्सटेंड किया जा सकता है द गवर्नमेंट व्यू इज दैट एज फार एज इंडस्ट्री इज कंसर्न मेजर्स टारगेटेड एट रिवाइविंग दैम कैन बी अनाउंस एट अ लेडर डेट्स ठीक है जो इंडस्ट्री जो बड़े बड़े बिग कॉरपोरेट हाउसेज हैं उनके लिए अगर कोई एक इकोनॉमिक पैकेज आना है तो वो बाद में उसके लिए गवर्नमेंट मुल करेगी इंडियन इंडस्ट्री बॉडी सचेस एसोचैम सी आई आई फिक्की है आस्किंग फॉर अ बिग बैंक पैकेज रेंजिंग बिटवीन नाइन ट्रिलियन टू ट्वेंटी थ्री ट्रिलियन जैसा कि मैंने कहा था एसोचैम हो फिकी हो सी आई आई ये कंटिन्यूसली गवर्नमेंट पे एज ए प्रेशर ग्रुप काम करते हैं कि ये इंडस्ट्री के फेवर में गवर्नमेंट से पॉलिसी बनवाए तो ये कंटिन्यूसली गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा स्टिमुलस पैकेज लेकर आना चाहिए जिसकी रेंज करीब नौ ट्रिलियन से लेकर के ट्वेंटी थ्री ट्रिलियन तक हो और गवर्नमेंट का फर्स्ट पैकेज अनाउंसमेंट जो था वो कितना था जी डी पी का जीरो पॉइंट एट परसेंट था वो सबसे छोटा चो, पैकेज था अमंग ऑल जी ट्वेंटी नेशन्स ठीक है हालाँकि गवर्नमेंट का अप्रोच इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है डेवलप और जी ट्वेंटी नेशंस के कंपैरिजन में अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर सिक्स आर्टिकल नंबर सिक्स ए डी बी अप्रूव डॉलर वन पॉइंट फाइव बिलियन लोन्स टू इंडिया ये न्यूज़ क्या है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया को वन पॉइंट फाइव बिलियन का लोन देने का वादा किया है प्रॉमिस किया है या आप इस तरह उसको ऐसे भी ले सकते हैं कि इंडिया इज गोइंग टू टेक द लोन फॉर फाइटिंग कोविड नाइन्टीन

नहीं कर रही हैं चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेस हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हो दोनों के कलेक्शन में रिडक्शन आया है और जहाँ रिवेन्यू रिड्यूस कर रहे हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के उसी के अदर साइड में क्या हो रहा है एक्सपेंडिचर बढ़, बढ़ रहा है और कहाँ एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है हेल्थ रिलेटेड सर्विसज में फार्मास्यूटिकल्स में इसेंशियल कमोडिटीज़ एंड सर्विसज में गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे हैं ठीक है तो इन ऑर्डर टू मीट आउट दोज एक्सपेंडिचर पहले आर ने गवर्नमेंट की लोन लिमिट को रिलैक्स किया एट्टी तक कर दिया और सिक्सटी स्टेट तक कर अब अगर वो अब गवर्नमेंट के भी और आरबीआई की भी कैपेसिटी उससे ज़्यादा वो गवर्नमेंट को लोन नहीं दे सकती बॉन्ड मार्केट उससे ज़्यादा मैची और उससे ज़्यादा ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता तो अब गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सटर्नल सोर्सेज को सीख करना शुरू कर दिया है जिसमें सबसे पहला जो लोन उसने लिया है वो उसने लिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक से इन ऑर्डर टू स्प्रेड द कोरोना वायरस पैंडमिक बेसिकली फॉर पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इट इज फुली कमिटेड टू सपोर्टिंग द इंडियन गवर्नमेंट इन इट्स रिस्पॉन्स टू इट्स अनप्रेसिडेंट चेंजेस एट ए डी बी आई ए डी बी प्रेसिडेंट ए डी बी के प्रेसिडेंट जो है उन्होंने कहा कि ये गवर, इंडियन गवर्नमेंट को पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे इन ऑर्डर टू फाइट अगेंस्ट कोविड नाइनटीन द क्विक डिसबर्समेंट फंड इज अ पार्ट ऑफ लार्ज पैकेज ऑफ सपोर्ट दैट ए डी बी विल प्रोवाइड इन क्लोज कोर्डिनेशन विद द गवर्नमेंट एंड अदर डेवलपमेंट पार्टनर्स ए में बहुत और सारे भी पार्ट कंट्रीज हैं एज मेंबर तो उन सब की हेल्प से ए के प्रेसिडेंट ने कहा है कि दे आर गोइंग टू हेल्प इंडिया एज मच एज दे कैन और उनको जो भी लोन दिया गया है वो ये कोशिश करेंगे कि उसका क्विक डिसबर्समेंट हो ज़्यादा फॉर्मेलिटी इंडिया को ना करनी पड़े और इमीडिएट ऑन टाइम इंडियन गवर्नमेंट को वो लोन डिसबर्समेंट के लिए मिल जाए वी आर डिटरमाइंड टू सपोर्ट इंडियाज़ कोविड नाइन्टीन रिस्पॉन्स प्रोग्राम एंड इंश्योर दैट दे प्रोवाइड इफेक्टिव सपोर्ट टू द पीपल ऑफ़ इंडिया स्पेशली टू मार्जिनलाइज एंड पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऐसा आ, उनके प्रेसिडेंट ने कहा द कोविड नाइनटीन एक्टिव रिस्पॉन्स एंड एक्सपेंडिचर सपोर्ट केयर्स प्रोग्राम इज़ प्रोवाइडेड एज अ फर्स्ट सपोर्ट टू मीट द इमीडिएट रिक्वायरमेंट ऑफ़ द गवर्नमेंट ये प्रोग्राम ऐसा इसको एक फुल फॉर्म हो सकता है आपसे किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए केयर्स का तो इट इज़ कोविड नाइन्टीन एक्टिव रिस्पॉन्स एंड एक्सपेंडिचर सपोर्ट द मनीला हैडक्वाटर मल्टी लेटरल एजेंसी एंड इट्स केयर प्रोग्राम जो ए डी बी है उसका क्वार्टर कहाँ है उसका क्वार्टर मनीला में है तो और उसका इसको मल्टी लेटरल एजेंसी भी बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं बहुत सारे सिर्फ इंडिया ही नहीं बहुत अदर सारे कंट्री भी इसके मेंबर हैं तो इससे जो प्रोग्राम चलाया है केयर्स प्रोग्राम केयर्स का फुल फॉर्म कोविड नाइन्टीन एक्टिव रिस्पॉन्स एंड एक्सपेंडिचर सपोर्ट तो इसके तहत ये कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे गवर्नमेंट को डायरेक्टली इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द हेल्थ फैसिलिटीज एंड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द सोशल प्रोटेक्शन टू अप्रॉक्सीमेटली एट हंड्रेड मिलियन पीपल्स इंक्लूडिंग फैमिलीज बिलो पावर्टी लाइन फार्मर्स हेल्थ केयर वर्कर्स वूमे सीनियर सिटीजन पीपल विद डिसबिलिटीज लो वेज अर्नर्स एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ये सब इनके टारगेटेड बेनिफिशरीज होंगे द केयर प्रोग्राम्स इज फंडेड थ्रू कोविड पेंडेमिक ऑप्शन कौन फंड कर रहा है सी पी आर ओ सी पी आर ओ का फुल फॉर्म कोविड नाइन्टीन पैंडेमिक रिस्पॉन्स ऑप्शन जिसको ए डी बी ने बनाया था इन ऑर्डर टू फाइट द कोविड नाइन्टीन भाई जो फाउंडिंग मेम्बर्स हैं जो सारे मेंबर्स इस समय हैं इसमें ए डी बी में उन सब ने मिल करके इस फंड को क्रिएट किया था कोविड नाइन्टीन पैंडेमिक रिस्पॉन्स ऑप्शन और इसमें अप्रॉक्सीमेटली डॉलर ट्वेंटी बिलियन का असिस्टेंस है जो डेवलपिंग नेशंस को मिलेगा ठीक है केयर्स जो है वो ए का प्रोग्राम है केयर्स को फंड कौन कर रहा है कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक रिस्पॉन्स ऑप्शन जो ट्वेंटी मिलियन का एक्सपेंडेड असिस्टेंस है जिसे सारे मेंबर कंट्रीज़ ने एडीबी के मेंबर कंट्रीज़ ने मिलकर के बनाया है और जिनको भी जरूरत होगी उन सब कंट्रीज़ को एडीबी जो है वो लोन प्रोवाइड करेगा हालांकि अभी इंडिया के कंटेक्स में इंडिया ने कितना लोन लिया है अप्रॉक्सीमेटली डॉलर 1.5 बिलियन का और उसके टारगेटेड बेनिफिशरीज़ भी मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है द कोविड नाइन्टीन एक्टिव रिस्पॉन्स एक्सपेंडिचर प्रोग्राम इज़ प्रोवाइडेड एज अ फर्स्ट सपोर्ट टू मीट द इमीडिएट रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ठीक है तो ये, ये न्यूज़ थी आज की अब देख लेते हैं थोड़ा एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में व्हाट इज़ एशियन डेवलपमेंट बैंक हो सकता है आप सबके माइंड में हो कि कहाँ पर है या इंडिया का बैंक है या कहीं और बैंक है जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक हमारे आप सब ने सुना होगा आई वर्ल्ड बैंक जो हमारे इंटरनेशनल बैंक हैं इंटरनेशनल सेटलमेंट्स हैं इन सब ये इन सबके बहुत सारे मेम्बर्स हैं ठीक है, है? अल, ऐसा बोला जाता है कि वर्ल्ड बैंक हो चाहे डब्ल्यू हो चाहे आई हो ये सारे जितने भी इंस्टीट्यूशनस हैं इंटर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जो बहुत टाइम से इस्टेबलिश हैं और वर्ल्ड की इकानमी को मैनेज कर रहे हैं ऐसा बोला जाता है कि ये सारे जो है वो डेवलप नेशंस के पपेट्स की तरह काम करते हैं अगर ये डेवलपिंग नेशंस को लोन देते भी हैं चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो चाहे वो आईएमएफ हो अगर वो लोन देते भी हैं डेवलपिंग नेशंस को तो वो लोन जो होता है वो कंडीशनल होता है और कंडीशंस क्या होती हैं कंडीशंस ये होती है कि वो पर्टिकुलर इकानमी जो डेवलप नेशंस के कंपनीज़ हैं मल्टी नेशनल कंपनीज़ हैं उनको अपने यहाँ एंट्री दे उनको इन्वेस्टमेंट करने की परमिशन दे जैसा कि आप सभी को याद होगा नाइनटीन नाइन्टी में जब इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया था उस ड्यूरेशन में इंडिया ने आईएमएफ से लोन दिया लोन लिया था और वो लोन भी कंडीशनल था और उसी कंडीशन के तहत अगर आप ये कहें दैट वाज वन ऑफ द बिग रीज़न जिसकी वजह से इंडिया में लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ था ठीक है तो इन्हीं सारी चीज़ों को कब करने के लिए जो डेवलपिंग नेशंस हैं बेसिकली उन्होंने ये कोशिश करी कि वो अपना एक सेपरेट फंड पूल बनाए अपना एक सेपरेट बैंक बनाए अगर आप देखेंगे तो ए डी बी इज़ वन ऑफ द बैंक इसी तरह और भी बैंक्स हैं आप मुझे कुछ के नाम बताइए मैं एक का नाम आपको और बता देती हूँ ब्रिक्स बैंक ठीक है वो ब्रिक्स नेशंस ने फॉर्म किया है तो इसी तरह और भी बैंक जो डेवलपिंग नेशंस ने इन ऑर्डर टू काउंटर द वर्ल्ड बैंक एंड आई दे हैव क्रिएटेड फॉर देयर ओन और कुछ कंट्रीज आपस में मिल करके जिन्होंने ऐसे बैंक को क्रिएट किए हैं अगर हम देख लेते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक इसको ए डी बी बोला जाता है कब इस्टेब्लिश हुआ था ईयर नाइनटीन सिक्सटी सिक्स मनीला में इसका हेड क्वार्टर है फिलीपींस से अभी तक इसके सिक्सटी एट मैंबर्स हैं इंडिया इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग मेम्बर ऑफ ए डी बी और इसके प्रेसिडेंट कौन है एम आकाश गर्पजस द बेसिक पर्पज़ क्या है टू प्रोवाइड प्रॉस्पैरिटी इंक्लूसिविटी रेजिलेंस सस्टेनेबिलिटी टू एशिया पैसेफिक एलोंग विद द इेडिकेशन ऑफ द पावर्टी एशिया पैसेफिक रीजन पर ही इस बैंक का फोकस है जैसा कि नाम से ही लग रहा है एशियन बैंक ठीक है तो इसका जो फोकस है वो एशिया और पैसेफिक रीजन पर ही है द बैंक मॉडल ऑन द लाइन ऑफ द वर्ल्ड बैंक इसका बिल्कुल फॉर्मेशन जैसे वर्ल्ड बैंक ऑफ फॉर्मोशन हुआ है उसी की लाइन पर हुआ है जापान जो है वो इसका लार्जेस्ट स्टेक होल्डर या शेयर होल्डर है जापान का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो फिफ्टीन पॉइंट सिक्स सेवन परसेंटेज का है यू एस ए का फिफ्टीन पॉइंट फाइव सेवन चाइना का सिक्स पॉइंट फोर सेवन एंड इंडिया का फाइव पॉइंट एट टू परसेंट दिस इज़ कैरीड आउट थ्रू एट्टी परसेंट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर इसका फोकस प्राइवेट सेक्टर पर कम ही रहता है बेसिकली क्योंकि ये सस्टेनिबिलिटी पर आप देखेंगे यहाँ पर जो उसका पर्पज है दैट इज सस्टेनेबिलिटी एंड इराडिकेशन ऑफ द पावर्टी इंक्लूसिवनेस रेजिलेंस प्रॉस्पैरिटी इस पर है तो जो 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 इसका सपोर्ट होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक का वो मैक्सिम डायरेक्टली गवर्नमेंट को या पब्लिक सेक्टर्स को ही मिलता है प्राइवेट सेक्टर में इसका आप इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम देखेंगे AB, adb invests in infrastructure, health, public administration system, helping nations to reduce the impact of climate change and to manage the natural resources in order to promote the sustainability. this is uh, india started availing the adb assistance in 1986 ठीक है इंडिया ने 1986 में स्टार्ट किया था एडीबी से असिस्टेंस लेना द एम ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज़ टू सपोर्ट इंडिया इन द फॉलोइंग फील्ड्स अगर हम इंडिया की बात इंडिया के सापेक्ष में बात करें कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का इंडिया में क्या रोल है तो उसने कहा है कि इंडिया में वो इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेटिवनेस पर हेल्प करेगा जॉब क्रिएशन ग्रोथ एसेलरेशन ऑफ लो इनकम स्टेट्स इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेट चेंजेस चैलेंजेस में डील करेगा और इंडिया को इन्हीं सारे एरियाज में असिस्ट करेगा बाय प्रोवाइडिंग दैम सफिशेंट फंड देर आर सिक्स सेक्टर्स इन विच इंडिया कैन सी दी बी प्रेजेंस ट्रांसपोर्ट के केस में एनर्जी वाटर अर्बन सर्विसेज फैनांस एंड पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट एग्रीकल्चर नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन डेवलपमेंट अगर आप ये सारे सेक्टर यहाँ देखें तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं ये सारे सेक्टर्स जो हैं वो सस्टेनेबिलिटी और इंक्लूसिवनेस से ही रिलेटेड हैं और दीज आर द एग्जांपल्स कि जब कभी जो कुछ कलेबोरेशन हुए हैं एडीबी में हिस्ट्री में या जो अभी हो रहे हैं उनके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि एडीबी एंड इंडिया हैव साइंड अ लोन ऑफ डॉलर टू सिक्स मिलियन टू स्टैंड द अर्बन सर्विसेज इन फाइव तमिलनाडु सिटीज़ तो इसी तरह से अर्बन डेवलपमेंट या ऐसे ए का जो फोकस होता दैट इज़ ऑन द सस्टेनेबिलिटी एंड एरेडिकेशन ऑफ़ द पावर्टी इस पर ज़्यादा है इन ऑर्डर टू मेनटेन द इक्विटी ठीक है इक्विटी और इक्वलिटी लाना तो इसका जो बेसिक पर्पस है वो इंडस्ट्री को कम प्रमोट करना है राधा देन रेजिलेंस और सस्टेनेबिलिटी को ज़्यादा प्रमोट करना है अब देख लेते हैं कुछ न्यूज़ क्लिप्स जो कि आप अपने अकॉर्डिंग रीड कर सकते हैं चाइना लूजेस चाइना लूज कुड बी गेन्स फॉर इंडिया क्या कहा है इन्होंने प्रसाद जी ने प्रसाद जी ने यह कहा है कि चाइना के अगेंस्ट जो कोविड नाइन्टीन के बाद मैक्सिमम कंट्रीज़ में चाइना के अगेंस्ट डिस्ट्रस्ट बढ़ रहा है ठीक है या जो ट्रस्ट था वो कम हो रहा है तो इंडिया के लिए वो अपॉर्चुनिटी प्रूफ हो सकता है स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में जो इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो अपने आप को प्रिपेयर कर लें तैयार कर लें कि आने वाले टाइम में वो जो ऑर्डर चाइना के पास जाते थे अब वो इंडिया को एज एन ऑप्शन ट्रीट करेंगे वो इंडिया को एन ऑप्शन देखेंगे क्यों क्योंकि इंडिया जो चाइना के अगेंस्ट जो आप देख रहे हैं डिस्ट्रेस या स्ट्रेस या एंगर जो बढ़ रहा है वर्ल्ड सोसाइटी में उसका फ़ायदा इंडिया को फ्यूचर में हो सकता है दूसरी न्यूज़ क्या है टैंकर्स रेट बूम्स एज डिमांड फॉर ऑयल स्टोरेज सर्जेस जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऑयल के प्राइसेस गिर रहे हैं और जितने प्राइसेस गिरे हुए हैं रिफाइनरीज जो हमारे इंटरनेशनल जो एक्सपोर्ट कंट्रीज हैं दे आर नॉट रेडी टू रिड्यूस द सप्लाई तो आप क्या हो रहा है उसके लिए जो स्टोरेज टैंकर्स होते हैं जो कंपनी स्टोरेज बनाती थी टैंकरस उनके प्राइस सडनली बढ़ गए वेसल्स के पास जहाँ पर जो सी में जो वेसल्स डाल के स्टोरेज किया था उन सब वेसल्स के टैंकर्स के प्राइजेस बढ़ गए हैं क्यों क्योंकि रेट कम है और चाहे वो कोई भी प्राइवेट प्लेयर हो या गवर्नमेंट वो सब चाह रहे हैं कि समय इस रेट में इस कम रेट का फायदा उठा करके स्टोरेज कर ले जाए और लेटर ऑन फ्यूचर में जब डिमांड बढ़ेगी तो इस कम रेट के ऑयल को एज अ रिजर्व हम यूज़ करके ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर लेंगे तीसरी न्यूज़ क्या है बिज़ नॉट एज़ यूजअल इकरा रिव्यू रेटिंग मैथड्स जैसा कि हम सभी जानते हैं बहुत सारी रेटिंग एजेंसीज़ हैं लेकिन अब रेटिंग एजेंसीज को ये रियलाइज हो गया कि ये जो सिचुएशन है ये नॉर्मल नहीं है अनप्रसिडेंटेड सिचुएशन है जो कि वर्ल्ड ने पहली बार ही आप बोल सकते हैं उनकी हिस्ट्री में तो पहली बार ही फेस करी है तो अगर हम नॉर्मल जो रेटिंग स्कीम से मैथड्स से उन पर रेटिंग करेंगे तो दिस वुड बी अनफेयर तो इसी ड्यूरेशन में जो इकरा एक रेटिंग एजेंसी है उसने अपना रेटिंग मैथड को रिवाइज करने का सोचा एंड नाउ दे आर गोइंग टू रिवाइज यर रेटिंग मैथड ऑन द बेसिस ऑफ द करंट सिनैरियो न्यूज़ ऑफ़ द डे ए डी बी अप्रूव डॉलर वन पॉइंट फाइव बिलियन लोन्स टू इंडिया वो कैबलरी ऑफ द डे स्लैश स्लैश मीन्स छोटा करना सिंप्लीफाई एक्स रिड्यूस, मिनिफाई, स्लैश एंड ट्रंकेट ये आपका इसके सेनोनम्स है एक वर्ड यूज हुआ है स्लम्बर अब स्लम्बर की मीनिंग आप मुझे लिखकर बताएंगे कॉमेंट सेक्शन में कि वॉट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ स्लम्बर दीज आर द रेफरेंसेस स्टूडेंट इफ यू लाइक प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी एंड सजेशन प्लीज़ राइट ऑन कमेंट सेक्शन थैंक यू सो मच